दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। अगर आप में इतनी ही लागनीशील थी, आप में इतनी ही फीलिंग्स थी हमारे लिए, तो आप वहाँ पे अगर कैंपेन कर रहे हो तो आप वहाँ पे शाहीनबाग में जाइए, उन तमाम माँ बहनों से पूछिए, उस मेरी बहन से पूछिए जिसने अपनी औलाद को वहाँ कुर्बान कर दिया शाहीनबाग में। आपने उसका दर्द जानने की कोशिश करी? आपने नहीं करी, सिर्फ आपने अपनी रोटी सेकी, बस और कुछ नहीं किया। आप चाहते हो बस हम जीत जाए, हम जीत जाए, हम जीत जाए। अरे क्या करोगे इसी जीत का? कहाँ ले जाओगे वो जीत? कहाँ ले जाओगे वो जीत? अल्लाह ने गुमान तो फिरौन का भी नहीं रखा, तो तुम क्या चीज हो? आज भी वो इबरत बना हुआ है मिस्र के अंदर, तुम क्या इबरत बनना चाहते हो? पूरी कायनात, मैं हर न्यूज देखता हूं, अखबार देखता हूं, फॉरेन में भी देख रहा हूं, कम या ज्यादा हर कोई इन्हें गाली दे रहा है। तो क्या समझना नहीं चाह रहे क्या? इन्हें समझ नहीं पड़ रही क्या कि लोग इन्हें गाली दे रहे हैं, लोग इन्हें बुरा कह रहे हैं? लोग क्यों बुरा कह रहे हैं? अरे अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, लोग आपको इसलिए बुरा कह रहे हैं क्योंकि आप बुरे हो, आप बुरा कर रहे हो और आप यही करते रहोगे। अगर आप में थोड़ी भी अच्छाई है, थोड़ी भी शर्म और थोड़ी भी गैरत है, तो प्लीज मैं आप चैनल के इस माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारी कोई लड़ाई आपसे पर्सनली नहीं है। आप ये काला कानून बंद कर दीजिए, ये कायदे कानून बंद कर दीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लाए वो संविधान के साथ आप चलिए, हम आपके साथ हैं। मैं नियाज प्रतापगढ़ी हूँ, प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ। आज मैं यहाँ आया हुआ हूँ अजीत मिल चौराहे के पास में, शाहीन बाग बना हुआ है। तो मैं अपनी नज़्म के ज़रिए कुछ बात कहना चाहता हूँ साहब से, जो अभी ये कानून लेकर आए हैं, इनका कानून जो ये काला कानून है, इसका पुरजोर विरोध कर रहा हूँ मैं। और मैं कहने की कोशिश करता हूँ, बहनों का अपमान किया, बहनों का अपमान किया, सम्मान दिलाने वाले ने, सम्मान दिलाने वाले ने इनकी नज़र में गलत किया, संविधान बनाने वाले ने, संविधान बनाने वाले ने। रोजगारी और भूखमरी है, जीडीपी का पता नहीं, रोजगारी और भूखमरी है, जीडीपी का पता नहीं। अपना देश ये लूट लिया इस चाय बनाने वाले ने, बहनों का अपमान किया, सम्मान दिलाने वाले ने, सम्मान दिलाने वाले ने। ना हमारा सब्जेक्ट मुस्लिम है, हमारा सब्जेक्ट हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में हम भाई भाई। ठीक है, कुछ चंद लोग ऐसे जो हैं जो हमें तोड़ना चाहते हैं, हमें बिखेरना चाहते हैं, वो अपने मतलब के लिए हमें यूज करते हैं। हम में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो समझते नहीं, वो नादान भूल गए हैं कि ये कायदे की चपेट में हम तो आएंगे, तुम भी हमारे साथ चले जाओगे। तो फजूल से या उनकी रोटियां खाने से बेहतर है कि ईमान पे खात्मा करो और शान से शहादत की मौत मरो, ना कि किसी की गुलामी करो। ये मेरी पूरी कौम मेरे साथ है और इंशाल्लाह इस CAA, NRC और MPR के खिलाफ हम इंशाल्लाह तब तक लड़ेंगे जब तक हमको हमारा फैसला मिल नहीं जाता। अमित सिंह जी जो हमें कहते हैं कि हम एक इंच पीछे नहीं हटेंगे, अरे सर आपको एक इंच पीछे हटने की जरूरत ही नहीं, हम दो कदम खुद आगे आ चुके हैं। और एक तरफ मोदी जी हमें कहते हैं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वो हमारी बहनों के ऊपर 3 तलाक के मसले पे वो कहते हैं कि ये तो मेरी बहन है। अरे तो कहां गए वो भाई जब आज ये बहनें शाहीनबाग में बैठी है। और बीजेपी के वो सारे प्रवक्ता कहां चले गए जो अपनी बात कहते हैं, अपना सबका साथ सबका विकास, ये तो वो बात हो गई सब रोड पे बस अपना रामराज। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज़।